हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्ष यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेपरवाह आज़ाद। दोस्तों, आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मेरी नई वीडियोस अपलोड होंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, पहले ही मैंने अपने ब्लॉग में काफ़ी सारी चीज़ों को जो बस्तर दशहरा से रिलेटेड है उसको मैंने बता दिया है। अभी जो आप देखने वाले हैं वो है अलग अलग जगह से देवों का आना। जब ये देव आते हैं तो उनमें दैवीय शक्तियाँ सवार होती हैं और वो किसी भी तरफ मूव कर सकते हैं। तो ऐसी ही एक घटना इस सिचुएशन में हुई जहाँ मैं वीडियो शूट कर रहा था और जिन पे देव विराजे हुए हैं वो हमारी तरफ आते हैं और लगभग गिर जाते हैं हम सभी। तो वो बेहद ही रोमांचित करने वाला क्षण होता है, इसको आप स्वयं महसूस कर सकते हैं अगर आप यहाँ उपस्थित होते हैं। तो ये जो नज़ारा है आप उसका आनंद उठाइए और बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक माहौल होता है। इस चीज़ को फील करना ही अपने आप में एक अलग प्रकार की अनुभूति है। दोस्तों, बस्तर दशहरा घूमने के लिए मेरा जो सजेशन रहेगा अपने व्यूवर्स के लिए वो नवरात्रि के सप्तमी को यहाँ पहुँच जाएं और मेला घूमने निकल जाएं। सप्तमी हो गया, अष्टमी हो गया, नवमी हो गया और दसवीं हो गया जिस दिन दशहरा है। तो ये जो आपको पूरे चार दिन का जो आनंद है वो आपको जीवन पर्यंत याद रहने वाला है। इसकी जो अलग अलग प्रोसेस हैं जिस खंड में 75 दिन ये जो चलने वाला दशहरा है बटा हुआ है वो जानना भी अपने आप में एक भारतीय के तौर पे बेहद ही अनमोल पल है। अभी आप जो देख रहे हैं वो बाहर रहनी है जिसमें रथ को चुरा लिया जाता है और किस तरीके से इतने बड़े रथ को खींचा जाता है आप देख सकते हैं और बेहद ही रोमांचित ये क्षण होता है लकड़ी के इस रथ को खींचना, अपने आप में ही एक अलग अनुभूति है। इसे खींचने के लिए कोड़ेनार किलेपाल परगना के आदिवासियों का विशेष अधिकार होता है। भीतर रहनी रथ की परिक्रमा पूर्ण हो जाने के बाद प्रथा अनुसार इसे देर रात चोरी करके नगर से लगभग 3 किलोमीटर दूर कुमड़ाकोट नामक स्थान पर छुपा दिया जाता है। दोस्तों, ये सारी कहानी मैं बेहद ही आसान शब्दों में आपके समक्ष रखना चाह रहा हूँ। 75 दिनों तक चलने वाला विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा लोकोत्सव आस्था और सामाजिक समरसता का एक अनूठा उदाहरण है। इस दौरान 50 फीट ऊंची और कई टन वजनी रथ की परिक्रमा के लिए सैकड़ों आदिवासी गांव-गांव से पहुंचते हैं। बस्तर दशहरा में रावण को जलाया या मारा नहीं जाता है यहाँ, बल्कि बस्तर की आराध्य देवी की पूजा की जाती है। यहाँ रावण नहीं मारा जाता, बस्तर के दशहरा पर्व की रथ यात्रा की शुरुआत सन 1408 ईस्वी के बाद चालुक्य वंश के क्रम अनुसार चौथे शासक राजा पुरुषोत्तम देव ने की थी। जब बाहर रहने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो दूसरे दिन राज परिवार और बस्तर की जनता अपने देवी देवताओं के साथ कुमड़ाकोट पहुंचते हैं और राजा अपनी कुल देवी को नया अन्न अर्पित करते हुए जनता के साथ नया खैनी पर्व संपन्न करता है। तो दोस्तों, बहुत ही सटीक रस्मों के साथ ये 75 दिन का जो दशहरा है वो आपको विस्मयादित कर देगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो दृश्य मैंने रॉ फुटेज जो आपके साथ शेयर की है वो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। बस्तर दशहरा से रिलेटेड
और भी किसी प्रकार की जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मेरे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं 100% हर कमेंट का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, ये व्लॉग आपको कैसा लगा और आपको इस तरीके के मज़ेदार व्लॉग्स और देखते रहना है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आगे का वीडियो भी आप देखते रहें, इसमें सारी फुटेज है, पर मेरा जो वॉइस ओवर है वो यहीं तक का है, इसीलिए हर्ष यादव ले रहा है अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए अलविदा।